हेलो दोस्तों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 9.2। ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कोई कॉन्वेक्स मिरर है, सबसे पहले वो बना लिया करो। अब रे डायग्राम, ये हो गया पोल हो गया, ये इसका एफ हो गया और ये इसका सी हो गया। ठीक है, 4.5 प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मीन्स यहाँ पे रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नीडल रखी हुई है 4.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बच्चा बच्चा जानता है कि जो कॉन्वेक्स होती है उसमें हमेशा जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी एंड पी एंड एफ के बीच में बनेगी। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो एफ पे बनेगी, और अगर इन्फिनिटी और पी के बीच में तो यहां पे पी एंड एफ के बीच में इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, अब गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज। अब एग्जैक्ट लोकेशन कहां है? एग्जैक्ट लोकेशन के लिए मिरर फॉर्मूला लगा, 1/v + 1/u = 1/f। गिवन क्या क्या है अपने को? u गिवन है -12 सेंटीमीटर, f कितना है? कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगा। कितना दे रखा है? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो, इसमें वैल्यूज पुट करो, 1/v - 1/12 = 1/15, 1/v = 1/12 + 1/15। ठीक है, अब 15 30 15 60 कॉमन लो, 60 9/60, तो v = आ गया 60/9। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, 6.670 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव आ रहा है मींस इस साइड में बन रही है इमेज 6.67 पे इसकी लोकेशन बनेगी। ठीक है, लोकेशन ऑफ इमेज पता लगी एंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए बच्चा बच्चा जानता है h - h - v / u, पुट करो वैल्यू, माइनस वी कितना दे रखा है? 60/9 × u, u कितना दे रखा है? 12 माइनस, तो माइनस माइनस तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, और 5/9 ये इसकी मैग्निफिकेशन आ जाएगा, 5/9। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। अगर नीडल इस साइड में मूव करेगी, देखो इन्फिनिटी पे इस यहाँ पे बनती है। ठीक है, और जैसे जैसे आते हैं ये इस साइड में मूव करती है, तो हम इधर जा रहे हैं ना, तो वो जो इमेज है वो इस साइड में मूव करेगी।